नमस्कार अर्गस अपडेट सह मुनिवेदिता नजर पकाइनबा प्रथमे हेडलाइंस उपरे एमिति चलिछि थानारे डील टंका देले एफआईआर रु कटुछि ना रिपोर्ट कोळ पई हेउछि मुलचाल सोशल मीडिया रे वीडियो हला वायरल खोर्धा जंकियारु 350 ग्राम ब्राउन सुगर जबत कला क्राइम ब्रांच एसटीएफ जलेश्वर आणी जंकियारे डील बेले डीलर गिरफ जबत ब्राउन सुगर आनुमानिक मूल्य 25 लाख टंका गंजाम चिकिटी महाविद्यालय डेमोन्स्ट्रेशन को घरे विजिलेंस रेड कैलास महांती को भुवनेश्वर ब्रह्मपुर चिकिटी समेत 6 स्थान में चली चढ़ऊ आयुर्भूत संपत्ति चूल अभियोग विजिलेंस पक्ष रेड जारी खोर्धा बनखंड टांगी रेंज रे हाथी आतंक दुई मास ऊर्ध एव उत्पात मचाई हाथीफल निराकारपुर व्यापक धान फसल नष्ट करुथिबा अभियोग हाथी घोड़ाइबारे वन विभाग विफल आज खोलिला जाजपुर अधिष्ठात्री देवी मां बिरजा मंदिर भक्तों पर स्वतंत्र व्यवस्था सका 6 संध्या 5 जाए दर्शन को अनुमति नुआवर्ष सर्वसाधारण को दर्शन मना केवल पिंडदार अनुमति जनवरी 31 जाए बढ़ला कोविड गाइडलाइन कोरोनार नुआ स्ट्रेन पर निष्पत्ति नला केन्द्र गृह मंत्रालय अपूर्व गाइडलाइन कड़ाकड़ी पालन करने को निर्देश केन्द्र बिना अनुमति होबनी लॉकडाउन की शटडाउन मेलबर्न टेस्ट भारत ऐतिहासिक विजय ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट हरला टीम इंडिया भारत को 70 रन विजय लक्ष्य देता ऑस्ट्रेलिया एवं नुआ वर्ष रे थराइबो शीत 6 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग 31 रु खसिबो रात्रि रो तापमात्रा भुवनेश्वर 10 डिग्री तल को पारद खसिबा नै पाणीपाग केन्द्र रो सूचना एमिति हेउछि थाना रे डील टंका देले एफआईआर रो ना काटि देबा को देउछंती प्रतिश्रुति केवल सेति कि नुहे रिपोर्ट इच्छा अनुसार लेखिबा को केते टंका देबा दरकार ताकु नै चालिछि मोलचाल 25,000 टंका पई दाबी करछंती थाना बाबू एडवांस पेमेंट भी नेउछंती जार वीडियो एबे सोशल मीडिया रे वायरल बारे लागी छि माने मु कत्ते देबी सर को मु समझे मोर मु केबे मो पर आशा रखतो परिस्थिति भल ना अपन ना भल नै गळी दी ये जो मेढा बेरी करंदी मेढा ठाकुर मेढा जो मेढ़ प्राय कुटुंब चलती मेढ़ ये भाईटा मास्टर चाकर करते टा 6,000 कर ब्लक ग्रांड पोस्टिंग मो सम्मान खोर्धा जंकियारु 350 ग्राम रो ब्राउन सुगर जबत कला क्राइम ब्रांच एसटीएफ जलेश्वर रु आणी जंकियारे डील बेले डीलर गिरफ युवक खोर्धा ओरबर सिंह अक्षय बड़िया सिंह अक्षय 80 ग्राम सुना भी जबत करिछि क्राइम ब्रांच एसटीएफ जबत ब्राउन सुगर रो आनुमानिक मूल्य 25 लाख टंका या को मिसाई राज्य रे चलित वर्ष एसटीएफ जाए 23 केजी 593 ग्राम रो ब्राउन सुगर जबत करि सालाणी वर्तमान सुद्धा 26 टी केस रुझेबा सह 50 जन ड्रग फेडलर को गिरफ करि छि एसटीएफ आयुर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग विजिलेंस सेलरे छंदी होती आउ जणे सरकारी बाबू गंजाम जिला चिकिटी कॉलेज डेमोन्स्ट्रेटर कैलाश चंद्र महांती बासभवन समेत 6 स्थान में एककालीन विजिलेंस विभाग 6 स्वतंत्र टीम चढ़ऊ कर सूचना ब्रह्मपुर श्री टावर स्पेक्ट्रम कॉलोनी सौरभर अपार्टमेंट फॉर्च्यून रेसीडेंसी भुवनेश्वर बीजेपी नगर प्राणनाथ एनक्लेयर तांको निज गाँ चिकिटीगड़स कॉलेज ऑफिस रे मध्य विजिलेंस चढ़ऊ कर
खोर्धा वनखंड टांगी रेंज रे हाथी आतंक दीर्घ दुई मास ऊर्ध्व हेब जंगली हाथी उपद्रव कर चलिछंती। हाथी दिन रे जंगल रे रहुथा बेले संध्या होइगले खाद्य अन्वेषण रे जनबसती मुआ होई लोकमानकर धान फसल नष्ट करुछंती। विलंबित राति रे हाथी पल निराकारपुर डिया मोजा चाष जमी धान कलई खाई दली चकटी नष्ट करिसंती। हाथी पलंक उपद्रव रे चासी हताश होइछंती। हाथी सहसह धान कलई खाई जैतिबा अभिजोग करिसंती चासी। तेबे हाथी घोड़ाइबारे जंगल विभाग संपूर्ण विफल होइछे। वर्तमान रो कोरोना कटकणा को 2021 जनवरी 31 जाए वृद्धि करिसंती केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्रालय। महामारी कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्रालय पक्षर यह घोषणा करा दैछि। केन्द्र सरकार नुआ कटकणा लागू करि नथिले मध्ये ब्रिटेन फेरन्ताक प्रति सतर्क रहबाकु कहिसंती। आगकु विपद थिबारु सरकार समस्तंकु एथिप्रति अधिक जत्नवान हेबाकु परामर्श दैछन्ती। पूर्वरु जारी होइतिबा गाइडलाइन गुडी को कडाकडी पालन करा जिवो। कंटेनमेंट जोन रे लॉकडाउन पूर्व भळी जारी रहिबो। राज्य सरकार माने केन्द्रर बिना अनुमति रे लॉकडाउन किंबा शटडाउन करि पारिबे नाही। मलकानगिरी जिला उपकारागारे कैदी दानु गलेरी मृत्यु घटना। जेल कर्तृपक्ष विरोध में हत्या अभियोग आणिले मृत कैदी पर लोके दानु को निर्मम भाव हत्या कर परिवार लोके अभियोग करिसंती। आत्महत्या नुहे षडयंत्र करी हत्या कर परिवार अभियोग करिसंती। दानु को मर शरीर को सत्कार करबा पूर्वरु परिवार लोके घटनार उच्चस्तरीय तदंत दाबी रे शव दाह न करी ओडी बसीथिले। किंतु किछि ग्रामवासी और संपर्कियों बुझासुझा पर शेष कृत्य संपन्न होइथिला। दानु को 3 मास पूर्वरु मलेशिया भाबरे गिरफ्त करा दैथिला। आमर बाई को आसिकी नक्सलाइट रम कर बोलिकी आम वाई सार बारंबार मारल से गोर टुआका बांधिक ना सारे नहींक्री तो जेल पारवाट कले। जेल पारवाट कले 3 मास सर। 3 मास पर जाकि ये घटनाटा घटला सर। बंद दारी बुले ना का के टोटर काटी बुले ना का के गोर उठाई उठाई कर के देना कार गोर डंगा जाए ना कार गोर बुती जाए जिनाल नक्सल मान को नेउछंती से मान को जाहले भी जीवंत आनी करे से मान रखिछंती। ए माने एंते हेले भी काम करछंती समस्त हम सभी मान अंचल रे तो सब काम करछंती ए लागिने। भारसाम्य हराई रास्ता कोड़ को ओलटिला यात्रीबाई ऑटो 4 महिला आहत होती। गंजाम इंजिलिका टू मकरझुड़ छक निकटस्थ पेट्रोल पंप निकट में भारसाम्य हराई रास्ता कोड़ को एक यात्रीबाई ऑटो ओलटि पड़ी। ऑटो ने यात्रा करुवा इंजिलिका टू पौराचर 4 महिला माछ व्यवसायी आहत होता सूचना मिली। स्थानीय लोके आहत को उद्धार कर चिकित्सा निम्ते इंजिलिका टू उपखंड चिकित्सालय भर्ती करती। यात्रीबाई ऑटो टी महिला माछ व्यवसायी को नहीं ब्रह्मपुर अभिमुखे जाता बेले मकरझुड़ छक निकटने विपरीत दिग्वर एक कार आसीजार अटोटी भारसाम्य हर रास्ता कड़ को लोटि पड़ा। माओवादी को मुख्य स्रोत में सामिल तथा माओवादी माने आत्मसमर्पण कले से सरकार पक्षर समस्त प्रकार सहायता जोगाई देवा घोषणा करा दैछि। किंतु एठारे जड़े माओवादी को गिरफ करबा परे तांकर जेल भितरे मृत्यु होइथिला। खजरीगुड़ा भली माओ समर्थकों गाँ जितेबले सरकार को समर्थन करबा स विकास स्रोत में सामिल होइथिले एबे दानु को मृत्यु परे जिला पुलिस मृत्युर असली रहस्य उन्मोचन करबा आवश्यक होइ पड़िछि। दीर्घ 9 मास व्यवधान पर खोली जाजपुर अधिष्ठात्री देवी माँ बिरजा मंदिर। कोरोना पर भक्तों दर्शन मार्च मसरु बंद थिबा बेले आज माँ का साधारण दर्शन आरंभ हो सका 6 अपराह 5 मध्य भक्त माने करिपारिबे माँ को दर्शन। उभय पुरुष और महिला श्रद्धालु भिन्न भिन्न धाड़ी में ब्यारिकेड मध्य आसी माँ का चंडी मंडपुर बिरजा दर्शन करेंगे और उत्तर द्वार दे सीधा बाहर को प्रस्थान करेंगे। मंदिर परिसर में कौन भक्त को रहीबार सुजोग दिजा ना एस प्रशासन एसओपी मध्य दर्शन करने नुआ वर्ष अधिक भिड़ होबार आशंका थिबार जनवरी 1, 2 और 3 तारिख में मंदिर भक्त मान बंद रखा निष्पत्ति जिला प्रशासन।
ତେବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा महिला को 33% संरक्षण दाबी उठाई जातीय दल को टार्गेट करबा बीजेडी सुप्रीमो को लागी होई छि बुमेरा। खुद नवीन निजे राज्यसभा लोकसभा कथा तो छड़तु विधानसभा निर्वाचन में भी 33% महिला को देना आसन एपरिकी महिला प्रतिनिधि को गुरुत्वपूर्ण पदवी देवाक भी सठिक मिलनाती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जहाँ विरोधी कहवा अनुसार महिला प्रसंग कथा कही कुंभीर कांदना कांदुछि बीजेडी। बीजेडी सुप्रीमो को महिला सशक्तिकरण वार्ता को नहीं वितर्क चर्चा होउची। संसद और विधानसभा रे महिला मानक पई 33% संरक्षण दाबी उठाई जातीय दल को टारगेट करबा खुद बीजेडी सुप्रीमो को पई बुमेरांग होईची। अन्य को दोष देउथिबा बीजेडी विधानसभा रे 33% महिला को देई नहीं आसन नजर पकांतु एही तथ्य उपरे। 2009 विधानसभा निर्वाचन 147 आसन मध्यरु बीजेडी रो पुरुष प्रार्थी थिले 139 महिला प्रार्थी थिले मात्र 8 जन अर्थात मात्र 5% महिला को प्रार्थी करथिला बीजेडी। 2014 विधानसभा निर्वाचन बीजेडी रो पुरुष प्रार्थी थिले 132 महिला प्रार्थी थिले मात्र 15 जन 10% महिला को प्रार्थी करथिला बीजेडी। 2019 रे दल 127 जन पुरुष को मैदान को उतारिथिबा बेले मात्र 20 जन महिला को प्रार्थी करथिला 14% थिले महिला प्रार्थी। एही तथ्य को नै शासक दल को टार्गेट करछन्ती विरोधी। विजु जनता दल प्रतिष्ठा दिवस रे राज्यर मुख्यमंत्री 33% महिला मानंकु निर्वाचन रे संरक्षण कथा कहिले 20 वर्ष धरी ओडिसा रे शासन कले तांकु मना किए करथिला आगुरु विधानसभा रे महिला मानंकु संरक्षण दवा पें खुशीर कथा दे संरक्षण देबे आमे पर 50 भागे देई छारिचु इलेक्ट कर जाइचु चेयरमैन जिला परिषद चेयरमैन आमे जो 30% करिया पे कांग्रेस डिमांड कर जे एमएलए एमपी राज्यसभा सेति किसे सहाय्य करंतु ताले नारी को पे किछि कले किछि नै दुआ मान वोट पे मोराने मते भलो पा। आज महिला सशस्त्रीकरण ओडिसा रे एक विराट आंदोलन रे परिणत होईछि। जो आंदोलन रे 80 लाख महिला आज निजक समर्पित करिसंती विकास प्रक्रिया रे एवं जहाँ फल आज ओडिसा सशक्त होईछि। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची नवीन को मंत्रिमंडल रे भी महिला को मिलना ही उचित स्थान नजर पकांतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रिमंडल और नवीन पटनायक मंत्रिमंडल रे महिला को किभली मिलिछि अग्राधिकार। 2014 मसीह रे सुषमा स्वराज को वैदेशिक व्यापार भली गुरुत्वपूर्ण विभाग देथिले नरेंद्र मोदी। उमा भारती मेनका गांधी नजमा हेप्तुला हरसमित कौर बादल स्मृति ईरानी निर्मला सीतारामन साध्वी निरंजन ज्योति भली महिला को शिल्प वाणिज्य जल संपद खाद्य प्रक्रियाकरण भली अनेक गुरुत्वपूर्ण विभाग रे मंत्री पद मिलिथिला। एपटे 2014 रे नवीन को कैबिनेट रे महिला और शिशु विकास एवं हस्तंत और बयन शिल्प पर मात्र 2 विभाग रे उषा देवी और स्नेहांगिनी छुरिया को मिलिथिला मंत्री दायित्व। 2019 रे निर्मला सीतारामन को मिलिथिला गुरुत्वपूर्ण अर्थ विभाग से पर स्मृति ईरानी हरसिमित कौर बादल साध्वी निरंजन ज्योति रेणुका सिंह सारुता और देवश्री चौधरी को खाद्य प्रक्रियाकरण ग्राम्य उन्नयन विभाग देते प्रधानमंत्री मोदी। एपटे नवीन टुकुनी साहू और पद्मिनी दियान को महिला और शिशु विकास एवं हस्तंत और बयनशिल्प पर विभाग दे निज दायित्व सारी आपर्त क्षमतार अच्छा भोट बैंक हिसाब से महिला मान व्यवहार करेंगे से बहु संख्यार आसी भोट देवे से कि उन्नति हेनी सशक्तिकरण है कहुपर धरतु पश्चिम बंगे आप देखते महिला सशक्तिकरण मैंने पश्चिम बंग बहुत आगे केरल बहुत आगे एपरिक आंध्र प्रदेश में आप देखते जो पर आसी ओडिशा रे सब बिक्री हुए कौन पर अग्रणी होती कहीं से परिवार चल रहे से सामाजिक धारा गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। एवं प्रश्न विधानसभा महिला 33% संरक्षण नक और महिला प्रतिनिधि को गुरुत्वपूर्ण विभाग नद अन्य को कहवा केते जुक्तियुक्त। बिहार निर्वाचन में बीजेपी महिला भोट प्रतिशत बढ़ा और राज्य में बीजेपी जड़े महिला प्रभारी दायित्व देवा शासक दल महिला कार्ड खेलु चर्चा जोर धरी। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन रवींद्र और दीपक कविता स्वाई रोशन नथ और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
निजर पूर्व घोषणा अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा परिचालित मद्रासा गुड़िकर उच्छेद पदक्षेप नहीं आसाम सरकार सोमवार आरंभ हो विधानसभा तीन दिनिया शीत अधिवेशन राज्य शिक्षा मंत्री हिमंत विश्व शर्मा द्वारा प्रथम दिन में उपस्थापित होती आसाम रिफिलिंग बिल 2020 संख्यालघु संप्रदायर पिलामानको उर्दू सहित अन्य समस्त परि साधारण शिक्षा प्रदान करी मुख्य स्रोत में सामिल करने को पदक्षेप निया जाय छे। आसाम रे उच्छेद हेबो सरकारी मद्रासा 2021 एप्रिल 1 रु मद्रासा गुड़ी को परिणत करा जिवो साधारण स्कूल रे सोमवार विधानसभा रे उपस्थापित होईछि आसाम रिफिलिंग बिल 2020 एबे आसाम रे रहिछि 610 सरकारी मद्रासा संख्यालघु संप्रदायर पिलांकु शिक्षार मुख्य स्रोत में सामिल करिबा पई निया जायछि ई पदक्षेप निजर पूर्व घोषणा अनुसार एबे राज्य सरकार द्वारा परिचालित मद्रासा गुड़िकर उच्छेद पई पदक्षेप नेइछन्ति आसाम सरकार सोमवार ठारु आरंभ होइथिबा विधानसभा तीन दिनिया शीत अधिवेशन में राज्य शिक्षा मंत्री हिमंत विश्व शर्मा द्वारा प्रथम दिन में उपस्थापित होइछि आसाम रिफिलिंग बिल 2020 बिल्रे रखा व्यवस्था अनुसार राज्य सरकार द्वारा परिचालित मद्रासा गुड़ी को उच्छेद कर उच्च प्राथमिक उच्च माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय खोल 2021 एप्रिल 1 तारिखर यह कार्यकारी करने को निष्पत्ति नुआ बिल उपस्थापित होगा द्वारा पूर्व कार्यकारी हो आसाम मद्रासा एजुकेशन प्रोभीनसीआलाइजेसन आक्ट 1995 और आसाम मद्रासा प्रोभीनसीआलाइजेसन अफ सर्विसेस ऑफ एम्प्लॉइज एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मद्रासा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2018 को रद्द करा जिवो तेबे नुआ बिल रे घरोई भाबरे चालतुबा मद्रासा गुडीकर उच्छेद पई कोनोसी व्यवस्था करा जाय नथिबा जणा पडछि आसाम रे बे 610 सरकारी परिचालित मद्रासा रहछि जेउगुडीकु उच्छेद करा जाय साधारण स्कूल रे परिणत करा जिवो सेठारे कार्यरत शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी माने पूर्व भली कार्यरत रहिबे एवं सेमानकु पूर्व भली दरमा प्रदान करा जिवो बोली बिल रे व्यवस्था करा जायछि संख्यालघु संप्रदायर पिलामानकु उर्दू सहित अन्य समस्तक परि साधारण शिक्षा प्रदान करि मुख्य स्रोत रे सामिल करबाकु निया जायछि एई पदक्षेप ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज बापा सूचना अधिकार कर्मी आउ एथि जको झियो हराइला डाटा एंट्री ऑपरेटर चाकरी एभली एक घटना देखा मिली नयागढ़ जिला दसपाला अंचल नयागढ़ महानदी वाइल्ड लाइफ रे डाटा एंट्री ऑपरेटर भाव कार्य करुवा सुरभि नंदन को बिना कौन कारण चाकरी रु विदा कर आज मानव अधिकार कमिशन निकट में अभियोग कर सर कहले कहि बाप मागे आप्लिकेसन तेल झील रहा दरकार नहीं जदि झील रहा आप बंद कर दिवन गोटे कथा इन मो अफि किसी कम करी सर मतलब बापा ब्लाकमेल कर बापा नहले झियो बापा आरटीआई एप्लीकेशन मागिले झियो चाकरी करि परिबोनि झियो चाकरी रे रहिले बापा आरटीआई एप्लीकेशन करिबे नाही एमिति किछि कारण दर्शाई डाटा एंट्री ऑपरेटर भाबे काम करथिबा महिला कर्मचारी को चाकरी रु बाहर करि दैछन्ति नयागढ़ डीएफओ अलॉटमेंट डाळरे ऑफिस रु 3 जण को चाकरी रु बाहर करा जैतिला तांकु छाड़ी अन्य दुई जण को चाकरी मिल सारीथवा बेले तांकु काहे कि एबे सुधा चाकरी मिले नाही बुझिबा को जाइथिले सुरभि जणे कर्मचारी तांकु कहिछति एभळि कथा सर कहले मत सर कहले कहि बाप मागे आप्लिकेसन तेल झील रहा दरकार नहीं जदि झील रहा आप बंद कर दिवन गोटे कथा इन मो अफि किसी कम कर सर मतलब बाप ब्लाकमेल कर सर मत बाप मत बापा सूचना अधिकार कर्मी होइतिबारु डीएफओ हर्षवर्धन उद्गाता तंकु हैरान हरकत करिया सुथले बारंबार चाकरी छड़ाई नेबाकु कहि मानसिक निर्यातना देउथिले कोनोसी कारण बिना चाकरी रो विदा होइतिबारु मानव अधिकार कमिशन को द्वारस्थ होइछन्ति सुरभि इमिति कि कोविड 19 टाइम रे से मते गोटे खंडे भी पास भी देना नि जोटा कि मु आसी परबि नि जिमिति ऑफिस सेमिति मते किछ करचन्ति मु किंतु आसी छी ऑफिस बहुत कष्ट रे आसी छी किंतु ए कोविड 19 टाइम रे मते से बाहर करिया कथा नहि किंतु मते से बहुत बाहर करि मते मो आर्थिक भाबे इमिति कि मु गोटे जेहेतु फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम रे फेस करछी मते से गोटे न्याय दिया जाउ
2005 ମସିହାରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସୁରଭିଙ୍କ ବାପା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ଯିଏକି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଝିଅ ଚାକିରି ଯିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ଯେଉଁ ଛଇ ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଆଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ଛଇ ତା ଭିତରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଇଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗୁଥିବା ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରାଯାଉ, ତା'ର ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସୁରଭିନନ୍ଦ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼େ ସରକାର ପୁଣି ଆକ୍ରୋଶମୂଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ୍ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସୂଚନା କମିଶନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣାଣି କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣାଣି କରନ୍ତା ଏବଂ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଲୋକଲୋଚନ ଆସନ୍ତା, ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏତେ ରହନ୍ତାନି, କାରଣ ଇମିଡିଏଟ୍ ଶୁଣାଣି ହୁଅନ୍ତା, ଆକ୍ସନ୍ ବି ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିବା ଲୋକ ଏଭଳି ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଟିଏଫ୍ଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ଜାରି ରହୁ? କାହିଁକି ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଟିଏଫ୍ଓ? ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆସିବେ କି ଟିଏଫ୍ଓ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସିବା ଖେଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ। ଜବରଦସ୍ତ ବୋଲିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଣେଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଇନିଂସ୍ ଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଐତିହାସିକ ଟେଷ୍ଟରେ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ହିସାବ ବରାବର କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ 4 ମ୍ୟାନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ 1-1 ବରାବର ହୋଇଛି। ସିରିଜ୍ରେ ଆହୁରି 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ୍ରେ 200 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଭାରତକୁ 70 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଛୋଟିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆଦୌ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଭାରତ 15.5 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏହି 70 ରନ୍ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତ ଓପନର ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରାହାଣେ ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତକୁ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ବିଜୟ ସହ ଭାରତ 2020 ବର୍ଷ ଶେଷ କରିଛି। ଆସିବା ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ରାଜଧାନୀ ସମେତ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସି ଆସିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏପରି କିଛି ଆକଳନ କରିଛି। 31 ତାରିଖ ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଉତ୍ତରା ପବନର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଫଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେବ। ରାଜଧାନୀର ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବି 10 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିବ। ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବ। ଗତ 5-6 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବେଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଶୀତ କମିଥିଲା। ରାଜ୍ୟବାସୀ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 31 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଶୀତ ଫେରିବ ଓ 29-30 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଭଳି ତାପମାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। आज 28 दिसंबर हमारा पिछले 24 घंटा में सभी जिला में ड्राई वेदर था। शैलो फॉग एक दो जगह करके हुआ है, कटोक, पारादीप, मलकानगिरी, नयागढ़, ये सब प्लेसेस में। और मिनिमम टेम्परेचर इंटर उड़ीसा का मेनी प्लेसेस में 2-3 डिग्री बिलो नॉर्मल था। कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट्स में 1-2 डिग्री तक बिलो नॉर्मल था। अगला 5 दिन के लिए और न्यू ईयर्स डे का जो हमारा जो फोरकास्ट है, इसमें अगला 5 दिन में सभी दिन ड्राई वेदर ही रहेगा। और अगला 2 दिन मीन्स 29th एंड 30th मॉर्निंग आवर्स में शैलो टू मॉडरेट फॉग कुछ कुछ जगह में हो सकता है। कटोक, जगत सिंहपुर, नयागढ़, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, कंधमाल, कलाहांडी, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।